इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन, चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की अपडेट की। भारत सरकार कर्ज में डूबी हुई एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को जो है निजी कंपनियों के हाथों बेचने की तैयारी में है। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आप जान रहे हैं। वहीं जो है इस नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने वाले कई प्रमुख दावेदार हैं। हालांकि सबसे इनमें टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट को जो है मजबूत दावेदार माना जा रहा है। जी हाँ, ये सबकी एक बड़ी अपडेट है कि एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को जो है निजी कंपनियों को बेचने की तैयारी कर रही है। वहीं एक तरफ जो है विपक्षी एयर इंडिया के असेट को बेचने के खिलाफ है, वहीं दूसरी तरफ जो है भाजपा सांसद ने भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। जी हाँ, इस पर जो है मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है भाजपा सांसद द्वारा। वहीं जो है भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी को जो है सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये मोदी सरकार की कोई जागीर नहीं है जिसे बेच दिया जाए। जी हाँ, ऐसा उन्होंने ऐसा अपने एक घेरने की कोशिश की है। उन्होंने निशाना साधते हुए मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए ये बात कही है, जैसा कि आपने जाना। और वहीं दरअसल मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों जो है ट्वीट पर टोनी कार्यकर्ता नामक एक यूजर ने ट्वीट करते हुए भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से जो है भारत सरकार द्वारा एयर इंडिया को बेचने पर सवाल पूछा। जी हाँ, और इस दौरान जो है टोनी कार्यकर्ता नामक यूजर ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि भारत सरकार जहां एयर इंडिया को बेचने का विचार कर रही है, वहीं स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह $1 अरब की पूंजी जुटाने में लगे हुए हैं। जिस पर जो है भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को जो है निशाने पर लिया। उन्होंने इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि एयर इंडिया मोदी सरकार की जागीर नहीं है जिसे वो बेच दे। जी हाँ, उन्होंने ट्वीट करते हुए एक यूजर का जवाब दिया और जिस पर जो है मोदी सरकार पर जो है उन्होंने निशाना साधा और ट्वीट करते हुए सीधा कहा कि ये मोदी सरकार की कोई जागीर नहीं है जिसे बेच दिया जाए। और वहीं पर जो है जो सरकार के दिवालियापन दूर करने के लिए इसे बेच दिया जाए। ज्ञात हो कि जो है सरकार ने एयर इंडिया की वित्तीय नीलामी के लिए अगस्त के तीसरे सप्ताह की समय जो है सीमा तय की है, समय सीमा तय की है तीसरे हफ्ते की और तीसरे सप्ताह की। और इंडिया एयर इंडिया पर अब तक जो है 37,000 करोड़ के जो है रुपए का जो है कर्ज है। जी हाँ, एयर इंडिया पर जो है अभी तक 37,000 करोड़ रुपए का जो है कर्ज है उस पर। और इसी के साथ ही एयर इंडिया के कुछ संपत्ति की भी नीलामी की तैयारी जो है सरकार द्वारा की जा रही है, जिस पर अब भाजपा सांसद ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। वही सूत्रों की माने तो सरकार ने एयर इंडिया की बिक्री के लिए जो है वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ये 16 सितंबर तक पूरा होने की भी संभावना जताई जा रही है। और ऐसे साल 2 सॉफ्टवेयर समूह, डाटा समूह और उन कई संस्थानों में से था जिन्होंने अपने साल दिसंबर में घाटे में चल रही एयर इंडिया को खरीदने के लिए जो है प्रारंभिक बोलियां लगाई थी। जो है सबकी एक बड़ी अपडेट आप जान रहे हैं कि एयर इंडिया जो है वो कई कर्ज में डूबा हुआ है, जिसको अब बेचने की तैयारी जो है भारत सरकार द्वारा की जा रही है, जिस पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम जो है उन्होंने सरकार के ऊपर निशाना साधा है, जैसा कि आपने इसमें जाना। ऐसे हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।